लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। कटनी के जीआरपी थाने में महिला और नाबालिग की पिटाई का मामला। मारपीट के मामले में जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने को किया गया सस्पेंड। उप पुलिस अधीक्षक रेल करेंगे मामले की जांच। रेल पुलिस अधीक्षक ने ट्वीट कर दी जानकारी। कटनी जीआरपी थाने में की गई थी दादी और उसके नाती की पिटाई। पिटाई के वीडियो के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया था सोशल मीडिया पर ट्वीट। जबलपुर में पदस्थ रहने के दौरान भी अरुणा वाहने हमेशा विवादों में रही। एमपी के कटनी जीआरपी थाने की इंचार्ज अरुणा वाहने का थाने के अंदर थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट। दलित दादी पोते पर चोरी के किसी आरोप में बेरहमी से बरस रही हैं थानेदार साहिबा। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पीड़ित ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कटनी जीआरपी थाने के वीडियो के संबंध में एसपी कटनी श्री अभिजीत कुमार रंजन ने दी तथ्यात्मक जानकारी। उन्होंने कहा, मामले में जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है। पीड़ित का भले कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड हो, वायरल वीडियो भले कितना भी पुराना हो, लेकिन इसके आज संज्ञान में आने के बाद इस तरह के व्यवहार को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसी के साथ भी इस तरह की बेरहमी से मारपीट की इजाज़त किसी को भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक गुरुवार को कटनी प्रवास पर रहेंगे। कटनी में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट से प्रभावित पीड़ित एवं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव।